माशाल्लाह तबारक अल्लाह, क्या मस्जिद दिख रही है भाई। है ना। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि अपने रब को याद रखो। कब बनी थी ये मस्जिद भाई? मस्जिद को यानी कम से कम यानी 50 इयर्स तो हो गए रहेंगे। गाइस जमजम पी रहे हैं, फर्स्ट टाइम है लाइफ में। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जुम्मे का दिन है, हम जा रहे हैं नमाज के लिए। आज हम जाने वाले हैं मोमिनपुरा की मक्का मस्जिद में, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। बहुत सुहाना मौसम हो रखा है, देखिए बहुत अच्छी अच्छी बारिश हो रही है, बूंदें गिर रही है, गाड़ी पूरी गंदी हो जाए। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि सूरह काफ बहुत इम्पोर्टेंट जुम्मे के सूरह है, दिन आप पढ़ सकते हो, राइट, एंड पढ़ना चाहिए भी और उसको समझना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुरान को समझना है। आज के मौशरे में लोग कुरान को पढ़ते ज़्यादा हैं बट बिना समझ के। अगर हम उस चीज़ को समझ के पढ़ेंगे ना, उसका जो इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा ना, वो बहुत अलग होगा। और सूरह काफ में अगर आप देखोगे, असाबुल काफ का वाक्य बताया गया है, एंड अल्लाह ताला ने एक अजीम दुआ भी बताई है उसमें। असाबुल काफ सोते रहे एंड फिर अल्लाह ताला ने उनको एकदम से उठाया, एंड लाइक उन्होंने 300 साल सोते रहे एंड उनके लिए वक्त रुक सा गया था, आपको पता होगा। एंड फिर अल्लाह ताला ने उनको जब उठाया तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो कल ही सोए हैं, मतलब 300 साल गुजर गए बट उन्हें नहीं पता चला इस चीज़ के बारे में। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, खबरदार तुम कभी ये मत कहना कि मैं ये काम कल करने वाला हूँ, सिवाय इसके कि अगर अल्लाह ना चाहे। तो अगर आपको पता होगा, लोग हमेशा आज के माशरे में, आज के कल्चर में इंशा अल्लाह बोलना एक लाइक तकिया कलाम सा बन गया है। लोगों को इसका सही मतलब ही नहीं पता है। इंशा अल्लाह को लोग बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं आजकल। मतलब अगर सपोज़ किसी को बोलता है कि यार ये काम कर दो, तो वो सामने वाला बोलेगा इंशा अल्लाह, बट उसका जो मतलब होता है ना इंशाल्लाह बोलने का, वो होता है 50%। मतलब देखा जाएगा, करूँगा तो नहीं करूँगा, अगर अल्लाह चाहेगा तो कर दूँगा, मतलब ऐसा वाला सोचना है उसका। बट इंशाल्लाह को बहुत गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं आजकल लोग। और इंशाल्लाह तीन वर्ड है, साथ में नहीं है। हालांकि उर्दू में, इंग्लिश में साथ में लिख सकते हैं। इसकी मुफ्ती मैंक ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करा था, देखोगे उनका वीडियो यूट्यूब पे। इंशा अल्लाह इसका मतलब है अगर अल्लाह चाहे तो। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ का इरादा करो कि मुझे वो करना है, तो 100% अपने दिल से इरादा करो कि वो मुझे करनी है चीज़, और उसके बाद बोलो इंशा अल्लाह। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर थोड़ा सा चोरीपना हो, थोड़ा सा हो कि यार देखा जाएगा, करूँगा नहीं करूँगा, ऐसे ही बोल रहा हूँ सामने वाले को बोलने के लिए इंशा अल्लाह। और ये हम भी करते हैं, आप भी करते हो, सब ये चीज़ करते हैं, तो हमें इस चीज़ को सुधारना है, ठीक है जी। अल्लाह ताला ने सूरह काफ में एक और किस्से से भी लोगों को समझाने की कोशिश की है कि एक किसान है, उसका बाग बहुत अच्छा चल रहा है, और वो किसान अपने दोस्त से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कयामत आने वाली है, और अगर कयामत आ भी जाएगी तो अल्लाह ताला मुझे उससे भी बेहतर ज़िंदगी देगा जो अभी चल रही है। और किसान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा जो ये निज़ाम चल रहा है, मेरे जो खेत हैं वहाँ पे मैंने पानी का सिस्टम बहुत सही तरीके से लगाया हुआ है, हर चीज़ की मैंने सिक्योरिटी रखी है, मेरे बेटे, मेरे मुलाजिम, हर कोई बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि मेरे खेत को कोई भी नुकसान पहुँच सकता है, सब कुछ सॉर्टेड है भाई, एकदम बढ़िया चल रहा है। तो अल्लाह ताला ने उसके बाग को ख़राब कर दिया, उजाड़ दिया, जस्ट उसको सबक सिखाने के लिए कि हमें मटेरियलिस्टिक चीज़, ये दुनियावी चीज़ों पे इतना ज़्यादा एतमाद नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए कि यार कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब मेरा सब कुछ सही है, मैंने सारी चीज़ें सही तरीके से करके रखी है, सब सिक्योरिटी करके रखी है कि मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती मुझे। हमें इस चीज़ में अल्लाह ताला को शामिल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ दुनियावी चीज़ों पे ही एतमाद करेंगे कि मैंने सीट बेल्ट लगाई है, मेरी भाई स्पोर्ट्स कार है जिसमें फुल ऑन बेस्ट तरीके का बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम है, भाई मुझे कोई छू भी नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है, जो भी हो सकता है हमेशा। इसीलिए हम इंशाअल्लाह का जो ये वर्ड है इस हिसाब से यूज़ करते हैं कि हमारी जो कमिटमेंट है वो तो है ही, बट अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो होगा, और अगर अल्लाह ताला नहीं चाहेगा तो वो चीज़ नहीं होगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझ। और एक चीज़ इस दुनिया के एतबार से समझ आती है कि नतीजा अल्लाह के हाथ में है, कोशिश इंसान के हाथ में।
आप ये नहीं कह सकते इस चीज़ के ऊपर कि अल्लाह जो चाहेगा वही होगा, तो हमें कोशिश करने की क्या ज़रूरत है, हमें कुछ करने की क्या ज़रूरत है। लोग आजकल बोलते हैं ना, मैंने तो इतनी मेहनत की, मेरे को इसका इतना रिज़ल्ट नहीं मिला। क्या पता अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और सोचा हो सकता है, पॉसिबल है। मेरे साथ बहुत बार होता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, वो चीज़ नहीं होती है, जिसके लिए मेहनत नहीं करता हूँ वो चीज़ हो जाती है। क्योंकि अल्लाह ताला इज़ द बेस्ट प्लानर फॉर यू गाइस, फॉर अस, फॉर एवरी वन इन द वर्ल्ड। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग आजकल नहीं समझते हैं। और फिर लोगों को अगर ये चीज़ बताओ तो वो बोलते हैं कि हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इसके नतायज तो अल्लाह ताला ने पहले ही तय किए होंगे, तो हम जाके बस लिख देते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता है, आपका नतायज तब तक आएगा ही नहीं जब तक आप कोशिश ही नहीं करोगे। इंसान का फ़र्ज़ है कोशिश करना, हमें कोशिश करनी है बस, बाकी अल्लाह ताला रास्ते दिखाएगा आपको सही तरीके से, जो आपके लिए बेहतर होगा वो होगा, बट कोशिश और मेहनत छोड़नी नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रख लो बस। सूरह काफ में जो आगे की आयत आ रही है, वो आयत मतलब एक अजीम तरीन दुआ आप उसको मान सकते हो, एंड आपके माइंडसेट के एतबार से और आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए। हम ना आजकल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं लोगों को, जैसे अभी आप बाहर के मुल्कों में लोगों को देखोगे, US कनाडा के लोगों में, वो बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स में जाते हैं, सक्सेसफुल लोगों को सुनते हैं, हम भी सुनते हैं ऑफकोर्स, बट अल्लाह ताला ने ना कुरान में हर चीज़ का हल दिया है। और अगर आपने इस आयत को अच्छे से समझ लिया अपनी ज़िंदगी में और इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लिया, आई कैन बेट यू दैट यू विल बी सक्सेसफुल सून इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि अपने रब को याद रखो, और अगर भूल जाओ तो कहो उम्मीद है कि मेरा रब मुझे करीब इससे सीधे रास्ते पे हिदायत करेगा। ये मुख्तसर सा अल्फाज है, बट अगर आप इस चीज़ को समझोगे, इसमें पूरी कायनात समाई हुई है। एंड जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि मेरे पहले जहन में थी या मुझे कुछ आता है, नहीं, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अभी, वो सारी चीज़ें ना मैं खुद समझ के पढ़ के फिर आपको बताता हूँ। हमेशा इंसान सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? जब भी उसके साथ कुछ बुरा होता है, वो इंसान सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे रब को मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। लोग ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं जो अल्लाह ताला को मतलब क्वेश्चन करते हैं, वो भी इतने गलत तरीके से, मतलब अल्लाह ताला मेरी सुन नहीं रहा है, मेरी दुआएं कबूल नहीं कर रहा है, मैं इतनी दुआएं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और वो डीमोटिवेट होकर नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप जैसे अल्लाह ताला के बारे में गुमान करोगे ना, अल्लाह ताला सेम वैसा होगा आपके साथ। अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे, ये आयत से हमें क्या पता चलता है कि हमें लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमें अल्लाह ताला के बारे में सही, अच्छा, पॉजिटिव, अच्छा गुमान करना है। अगर आपके साथ बाई चांस खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको सही नहीं लग रहा है, बट मे बी अल्लाह ताला के हिसाब से वो चीज़ बहुत अच्छी है आपके लिए, और मे बी लाइफ में आपको आगे जाके उसका फ़ायदा मिलने वाला है जो आपके साथ अभी बुरा हुआ है। और मेरे साथ तो बहुत बार होता है ऐसे, क्योंकि मैं उस चीज़ को पॉजिटिव वे में सोचता हूँ और उसको वैसे ही ट्रीट करता हूँ, तो आपको भी ऐसे ही करना है। हदीस कुदसी में आता है कि मेरा बंदा जैसा मेरे बारे में सोचेगा, मैं वैसा ही उसके साथ रहूँगा। मतलब आप सोचो कि अगर आप अच्छा सोचोगे हमेशा अल्लाह ताला के बारे में, कि अल्लाह ताला मेरे साथ अच्छा करेगा, अल्लाह ताला मेरे साथ सही करेगा, तो देखो आपके साथ अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह, आपके साथ बुरा नहीं हो सकता है। तो हमें हमेशा अच्छा सोचना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो मैं अभी ज़्यादा और नहीं बोलूँगा, बिकॉज नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम मस्जिद जा रहे हैं, तो मैंने सोचा था क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है तो आपसे बात की जाए, है ना, इसके बारे में। बट इंशाअल्लाह नसीहत हासिल होगी हमें, हम सबको इस सूरह काफ के ट्रांसलेशन के थ्रू। तो दैट्स इट, एंड चलिए चलते हैं मोमिनपुरा, यार बहुत ट्रैफिक है यार। माशाअल्लाह तबारकअल्लाह, क्या मस्जिद दिख रही है भाई, है ना? हाँ। भाई साहब, व्हाट अ ब्यूटी भाई, मतलब वो एक एक जो झलक पड़ी ना, आप हाँ। सोचो, मतलब मुझे ना वो मदीना मुनव्वरा की याद आ गई, वो गुम्बद की वजह से, आई थिंक उसकी वजह से।
बट अल्लाह का शुक्र है यार, मतलब बहुत बहुत प्यारी, बहुत प्यारी मस्जिद है, बहुत प्यारी, अल्लाह का शुक्र है। भैया आगे गाड़ी लग सकती है ना? नहीं, हम लोग भी नए हैं यहाँ। अच्छा, आगे गाड़ी लगेगी यार। सब्सक्राइबर बता दो, आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कब से आपके लिए रुका था? आप आएंगे तो ट्रैफिक, क्योंकि ये रास्ते से ना ट्रैफिक बहुत हो जाती है इधर। अच्छा, एक सेकंड करता हूँ। हाँ जी, इधर ही डाल रहे हैं भाई साहब, इतनी भीड़ है इधर, बहुत ट्रैफिक रहती है यहाँ पे। इसका मतलब पार्किंग का ही मसला रहता है यहाँ भाई। अच्छा हुआ पार्किंग मिल गई, अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह के बंदे मिल जाते हैं हमें हमेशा हर चीज में। भाई जान ने लगवा दी गाड़ी। हाँ जी, कब से वेट कर रहा था आपका? आप यहीं से हैं? हाँ, मैं इधर ही रहता हूँ पीछे, मतलब। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, आपने व्लॉग में देखा होगा कि रास्ता है ना इसके लिए। जी जी जी। अच्छा अच्छा, और वो साइड में पार्किंग के लिए भी अपने। ओके ओके। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। तो शूज यहीं पे निकाल ले। जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। ना तू बन सका, ना बना सका वो, ना फिर भी तुझसे जुदा हुआ। जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ, दिल में तेरे मौजूद है, क्यों नहीं देखता इस जहां। मैं एक्चुअली पौने एक बजे से मस्जिद के बाहर रुका नहीं, ताकि आपको कार के लिए पार्किंग की जगह मिल जाए। अच्छा भाई, वो आपकी बोल रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ, इधर हम आए ना तो हम भाई, हमें दिख गया पार्किंग का, इसलिए हम बहुत टेंशन में आ गए थे, घुसे ना बस, सामने से बस आ रही थी। पूछा था पार्किंग का कैसा प्रॉब्लम, उन्होंने हाँ ना, मैंने जब देखा ना स्टार्टिंग में गुम्बद ऊपर भाई, क्योंकि हम सामने से ही आए ना, वो साइड से ब्रिज के साथ। हाँ, इधर से आए ना, इधर से, तो ये सामने से, मतलब भाई ये जो मस्जिद है, तो ये मतलब पूना की ओल्डेस्ट मस्जिदों में से एक मस्जिद है। और मतलब वो जो इसका आगे का हिस्सा है वहाँ पर, बताओ भाई, मतलब वहाँ पर वो जो पिलर्स है, तो वो यानी पहले का मतलब एकदम जब स्टार्टिंग में मस्जिद बनी थी तो सिर्फ उतनी मस्जिद थी, फिर मतलब फिर यानी टाइम के साथ में यानी डेवलप होने के बाद में आज मतलब आप देख रहे हैं इतनी बड़ी मस्जिद है। तो मतलब बाहर से भी दिखा दो पूरा वो गुम्बद वगैरह। मस्जिद के एक्चुअली 3 फ्लोर्स है और उसके ऊपर यानी टेरेस भी है, तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3-4,000 कम से कम लोग मतलब मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं। और ईद के टाइम पे यानी पूरी मस्जिद फुल हो जाती है, और यानी मतलब रास्ते में भी होती है नमाज ईद के टाइम पे। कब बनी थी ये मस्जिद? भाई मस्जिद को यानी कम से कम यानी 50 ईयर्स तो हो गए रहेंगे। 50 ईयर्स? हाँ, मतलब पहले टिन की मस्जिद थी। अच्छा। हाँ, मतलब कम से कम बोला हूँ मैं, कम से कम 50 साल हो गए। मतलब पहले टिन की मस्जिद थी, फिर साथ ही साथ यानी डेवलपमेंट होता गया, तो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। मतलब गुम्बद मेरे को सबसे, मतलब बिल्डिंग देखी ना मैंने दूर से, मतलब मदीना का याद आया मुझे सच में। हाँ वही वही, हाँ सेम सेम वैसे ही बनाया उन्होंने, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह जो फैजान मदीना में जो मुसल्ला होता है ना इमाम साहब का, पूरा मदीना की तरह ये किया है उन्होंने, उन्होंने बनाया हुआ है पूरा। सो आई एम टेलिंग टू विजिट यू। हाँ पक्का पक्का, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. भाई साहब यहाँ पे कितनी ज्यादा ट्रैफिक है, पार्किंग की जगह नहीं। पार्किंग का ही मसला आपका सॉल्व हो गया, बहुत अच्छी बात है। हाँ वही, मैं ये भाई मिल गया तो थोड़ा हौसला हो गया था, नहीं तो मैं बोला इधर ऊपर सामने से टेक्स्ट किया था तुमको, पर अभी तुमको तो दिन में कितने आते रहेंगे टेक्स्ट। हाँ यार भाई, ये हमारी तरफ से मोमिनपुरा का फेमस है, कोई चीज नहीं। थैंक यू सो मच।
जजाक बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया. आपका नाम? तौसीफ. तौसीफ. आपका नाम? हिशाम. हिशाम. तौसीफ हिशाम. मुत्तसिम. मुत्तसिम. आपका नाम भी माशाल्लाह रख दिया आपने. आपका नाम? आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. वेज साद मोहतशाम ईशाम और तौसीफ भाई, थैंक यू सो मच. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बोलना. इन्होंने हमें मोमिनपुरा की फेमस मिठाई भी दी है. भाइयों ने दी है, सब ने मिल के दी है. चलो आपका बहुत शुक्रिया भाई. अस्सलाम. थैंक यू सो मच भाई साहब. माशाल्लाह तबारकल्लाह. ये थी मोमिनपुरा की मस्जिद, मक्का मस्जिद. कितनी बेहतरीन. मैं आपको सच बताऊं, जब हमने लाइक स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम वो जो लुक देखा ना मक्का मस्जिद का दूर से, भाई सच में भाई मुझे मदीना मुनव्वरा की याद आ गई. आप सबको जैसे पता होगा, बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं जल्द से जल्द उमरा करूँ, मक्का जाऊँ और मदीना जाऊँ और वहाँ पर जाके नमाज अदा करूँ एंड वहाँ की ज़्यारत करूँ. ये सारे भाई जो मिले थे हमें, इन्होंने इतनी हेल्प की हमारी और इतनी अच्छी खातिरदारी की. मोमिनपुरा की फेमस मिठाई भी दी हमें. देखो भाई ए रसूले आमी खातमल मुर्सली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा. सो गाइस, अभी हम आमिर भाई के घर पे जा रहे हैं. आमिर भाई के घर पे लंच के लिए उन्होंने इनवाइट किया हमें. चलते हैं, जब ये टाइम लगेगा आई थिंक आधा घंटा लगेगा उनके घर पे पहुंचने में. लेट्स गो. नहीं ए रसूले आमी खातमल मुर्सली. ए फ्यू मिनट्स लेटर. फोन देना लोगों. सॉरी सॉरी, हम लेट हो गए. हमदान और भाई कैसे हो? क्या बात है. बना ले. थैंक यू सो मच. घर की क्या है ये? चेरी. खेत की चेरी. भिंडी. सो आज है भिंडी भी. थोड़ी थोड़ी दिन. ये दाल है, हम भी डाल लेते हैं. इसमें ले लो. और इसमें ले लेंगे. अरे जितनी दाल नहीं उतना घी हो गया. जब रमदान को भी लेके जाना चाहिए था मुंबई उस दिन. रमदान बहुत मतलब ये कर रहा था, गुस्सा कर रहा था, लेके नहीं गए. उसने मैसेज किया था मुझे, पर हमने बहुत मजे किए सच. ये एडिट हो रहा था, अभी थर्ड पार्ट आ जाएगा. लेकिन ये हमन बहुत मेहनत करता है, मतलब इतना मेहनती है ना वो. हम लोग मजे कर रहे हैं. नहीं नहीं, लगा था कंटिन्यूअसली. अच्छा ना, मैं जब जॉब करता था उस टाइम पे 6 चैनल थे हमारे, तो एक चैनल पे हम 3 वीडियो डालते थे मिनिमम, 3 या फिर 2 वीडियोस. तो मेरे भाई बहन हम तीनों शूट करते थे. शूट करने के बाद एवरी सिंगल डे वो उसी टाइम पे एडिट करी, उसी टाइम पे डाल के हम शूट करते थे, एडिट करते थे, डालते थे, अपलोड भी उसी दिन कर देते थे. वो भी 15 से 16 वीडियो शूट करके एडिट करके अपलोड करना, तो इसलिए उसकी वो एक स्पीड बन चुकी है, उसकी धड़ाधड़ चलती है एडिटिंग में. 15 मिनट्स लेटर हो गया. सो गाइस, जमजम पी रहे एंड फर्स्ट टाइम है लाइफ में. और थैंक यू टू आमिर भाई एंड कपिल भाई एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा जानमास. अच्छा आप बोल रहे थे. जज़ाकअल्लाह. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. अच्छा तस्बीह. थैंक यू जी. थैंक यू. बहुत शुक्रिया आपका. बढ़िया है, आपने बोला था. नहीं, और लिख के आया था मुझे एक अलग वाला, वो इंशाल्लाह मैं आऊँगा तो नेक्स्ट टाइम वहाँ से लेके आऊँगा. उधर में गया था. कोई बात नहीं, बट थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया. कट कर देना प्लीज. धागे से बांध दिया. डैडी ने पूरा अंदर तक पूरा फैब्रिकेट किया है.
वो देखो तो सेंटर में लाने के लिए उन्होंने बहुत मशक्कत की है, बहुत बहुत मशक्कत मटेरियल में उसका भी अभी वो व्लॉग आएगा उसका कैसा करके सेंटर में लाया देखो। चलो जी बाय बाय। सो गाइस अभी थोड़ा सा काम है इधर खराड़ी में तो यहाँ पे आए हैं आमिर भाई के घर से निकलने के बाद खराड़ी यहाँ पे काम कंप्लीट करने के बाद ये घर पे जाएंगे। इनका अभी तक एडिटिंग चालू है कल के व्लॉग का हमें तो अब इतनी सारी गाड़ियाँ उठा ली इन लोगों ने। अरे भाई देखे ऐसे उठाते भाई ये लोग गाड़ियाँ बाहर लगाओगे ना तो ऐसे गाड़ी देख भाई ये वाली गाड़ी है सबकी उठा रहे ये तो ये उठा रहे भाई ये इसको लॉक कर दिया वो देखो हाँ इसका टायर लॉक कर दिया था जुमे की नमाज पढ़ी मोमिनपुरा मक्का मस्जिद में इतनी बेहतरीन मस्जिद एंड उसके बाद हम आमिर भाई के घर पे गए वहां पे उन्होंने इतनी खातिरदारी करी भाई उन्होंने भिंडी की सब्जी बैंगन का भरता चने फिर उसके बाद और क्या था और दाल थी भाई दाल देसी घी भाई साहब रोटी चपाती फिर उसके बाद छाछ भी थी और छाछ बहुत स्वाद थी मेरे को एक गिलास और पीने का मन कर रहा था बट अभी अगली बार देखो जबरदस्त थी भाई छाछ और फिर उसके बाद भाई उन्होंने मीठे में भी दो दो तीन तीन आइटमें भाई पहले तो वो क्या था कस्टर्ड था वो ना हाँ, कस्टर्ड था शायद कस्टर्ड फिर उसके बाद दो तरह की मिठाई थी एक तो हरमन कौन सी थी गुलाब की थी हाँ, राइट गुलाब की थी और एक वो थी अपना मैंगो वाली मैंगो हाँ। और फिर उन्होंने हमें गिफ्ट भी दिया मतलब हाँ। जानमाज और तस्बीह माशाल्लाह तो तो बड़ा अच्छा लगा यार इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस ऐसे ही सब लोग बहुत प्यार करते हैं और हमेशा दीन की बात बहुत अच्छे से करते हैं ये बड़ा अच्छा लगता है उनके घर पे जाके ना उनसे जब बात करते हैं हमारी किसी भी चीज के रिलेटेड बात नहीं होती सिर्फ दीन के रिलेटेड बात होती है दैट्स ऑल भाई जब भी मिलो सिर्फ दीन के बारे में बात कि भाई अजर कैसे कमाना है हमें और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है मैं आप सबको भी ये चीज़ का एक मतलब मशवरा देना चाहता हूँ कि आप जिससे भी बात करो दीन के रिलेटेड ज्यादा बात करो है ना और अजर कैसे कमाना है ना लाइफ में ये ज्यादा देखो। सो दैट्स इट गाइस थैंक यू सो मच आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक दे दो यार है ना वीडियो को शेयर कर दो और मिलते हैं अगले वीडियो में बाय टेक केयर सी यू।